हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आप देख सकते हैं सारी रात बारिश हुई है, और अभी फ़िलहाल मौसम नॉर्मल है, तो ऐसा बारिश वारिश का कुछ नहीं है। तो गाइस, आपको जैसे पता है कल मैं पूरे दिन टेंशन में रही हूँ। वो क्यों आपको मैंने बता दिया है, आप मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। तो मैंने जैसे डाला था कि मैं सीसीटीवी फुटेज का बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि अब वही एक चारा बचता है। तो गाइस, मैं जो है, हमने कल सीसीटीवी फुटेज चेक कराई थी। सीसीटीवी फुटेज में मतलब मैं क्या ही बताऊं, कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखो, अगर कोई घर से लेकर भी जाता है, मेड को ही बोलती हूँ या किसी को भी बोलती हूँ, कोई अगर लेकर भी जाता है घर से, पहली बात तो लिफ्ट में भी कैमरे लगे हुए हैं, नीचे भी कैमरे लगे हुए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो हाथ में कोई ना कोई चीज़ तो दिखाई देती है। ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी बात, वो पर्स हाथ में पकड़ने वाला था, हैंड बैग था, मतलब इतना इतना चौड़ा था और मेरे ख्याल से इतना लंबा था, तो आप लगा सकते हैं पूरा हाथ। ठीक है, तो मतलब ऐसे था। तो पहली बात तो अगले को क्या पता नहीं होगा कि लिफ्ट में कैमरे लगे हुए हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी कैमरे लगे हुए हैं। सो गाइस, मुझे लगता है वो पर्स जो है वो बीच में ही घुमा दिया है। वो मतलब अगला पहले से ही सतर्क था, या तो अगले की आदत है चोरी करने की। तो खैर, जो भी है, कैमरे में ऐसा कुछ नहीं नज़र आया है। अब लास्ट मेरे पास चांस बचता है पुलिस वेरिफिकेशन का। पुलिस में कंप्लेंट करानी है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करानी है। गाइस, रात भी नींद नहीं आई है। 3:30 बजे जाकर मैं सोई हूँ। बहुत दिमाग ख़राब रहा है, आप देख सकते हो। ये भी मेरे साथ जगी है, ये देखो। हाय फतु, बोलो हाय। हाय फतु। सो गाइस, ये भी मेरे साथ जगी हुई है, और मतलब इतनी टेंशन रही है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई मेरे से। आज चलो ये पर्स की बात है, पर्स में 2300 रुपये थे। पर्स में मेरी पायल थी, कम से कम पूरा आप ये मान लो कि 10,000 रुपये का नुकसान आज की डेट में झेलना बहुत मुश्किल है, और मेरे जैसे के लिए तो बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं। बेटी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, घर में पैसों की भी ज़रूरत होती है, बच्चे छोटे हैं। ठीक है, तो जिसने भी किया है बहुत ही गलत किया है, और अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि किसने किया है, इसलिए पुलिस छानबीन चलेगी, और चलनी भी चाहिए। क्योंकि आप ये सोचते होंगे भाई बहुत छोटा अमाउंट है, तो ऐसे है वैसे, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि मैं ना अभी बहुत पैसा खर्चा कर चुकी हूँ। और जैसे आप पीछे वाले ब्लॉग में देख सकते हैं, बेटी का ट्रीटमेंट कराया था, बेटे का एडमिशन कराया था, तो मतलब बहुत ज़्यादा आँखों में देख सकते हैं आप कैसे नींद भरी हुई है।
फिर भी लेट में जाती हूँ तो नींद नहीं आती है, इतनी टेंशन हो रखी है दिमाग में कि मतलब एक पर्स की बात नहीं है, आज चलो ये पर्स की बात है, कल को कुछ और भी हो सकता है, तो कुछ क्लियर नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए पुलिस छानबीन होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटी चीज़ है चाहे वो बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंसान ना फिर आगे से कोई गलती ना करे जिसने भी ये काम किया है। क्योंकि वो पर्स डेली सामने होता था और आप कुछ सोचो जो चीज़ बिल्कुल सामने होती थी वो एकदम से गायब हो गई। दिमाग बहुत ख़राब होता है। न मैंने मेरा कुछ खाने का मन किया है, न कुछ पीने का मन किया है। रात सिर्फ हस्बैंड के साथ थोड़ा सा घूमने गई थी कि माइंड डाइवर्ट हो जाए, पर घर में आते ही ना वही होता है, फिर पर्स ढूंढना शुरू कर देती कि क्या पता इधर उधर ही पड़ा हो। मुझे पता है वो नहीं पड़ा है इधर उधर, ठीक है ना। अभी मेरे हस्बैंड भी शूज़ पहन रहे थे, ऑफिस गए थे, ऑफिस चले गए, तो मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने भी उनके भी माइंड में ये था कि होगा शायद यहीं, ढूंढना शुरू कर दिया, जहाँ से कपड़े उठा के पहने वहाँ पर ढूंढना शुरू कर दिया, जहाँ से शूज़ पहनते थे वहाँ ढूंढना शुरू कर, नहीं मिला। बहुत ज़्यादा दिक्कत। एक इंसान जो पाई पाई जोड़ता है ना आज की डेट में, एक जोड़ना ही बहुत मुश्किल है। एक एक पैसे को जो इंसान तरस जाता है ना, जिसको नीड होती है सबसे ज़्यादा, वैसे तो सभी को होती है नीड, उसको पैसों की अहमियत का पता होता है, और मेरे लिए वो चीज़ और पैसे बहुत मायने रखते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे वो पायल दी थी और मतलब मेरे हस्बैंड के यहाँ पे चांदी नहीं खरीदते हैं, आन पड़ी हुई है, कुछ हो गया था, ये तो मुझे नहीं क्लियर है क्या हुआ था, मैंने ना पूछने की कोशिश करी कि जैसे बड़ों ने बता दिया तो ठीक है, तो इसलिए चांदी खरीदते नहीं हैं। तो हर बार जब भी देते हैं, मम्मी देती है पायल और बिछुए भी, तो मैंने मतलब हम लोग खरीदते नहीं हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग ही कहते हैं कि इनकी जो मतलब चाची हैं, जो मेरी चाची सास हैं, वो क्या कहते हैं, उन्होंने मतलब उनके हस्बैंड ने, चाचा जी जो हैं उन्होंने चाची जी को गिफ्ट करी थी पायल, और जैसे ही उन्होंने गिफ्ट करी थी उनका एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि आन पड़ी हुई है घर में, तो वो ऐसा होता है ना जैसे किसी के बेबी होता है या कुछ भी मतलब ऐसा होता है, तो उस पर ही वो आन खुलती है। तो सबको डर रहता है, तो इसलिए कोई चांदी नहीं खरीदता है, ना मैंने खरीदी है, तो इसलिए मम्मी दे देती हैं, और मम्मी ने मुझे वो पायल दी थी, और वही पायल नहीं कि नहीं, सिर्फ एक आधी बार पहनी होगी मैंने किसी फेस्टिवल पर ही, दिवाली या करवा चौथ पर, अब वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। खैर जो भी है पुलिस वेरिफिकेशन में पता चलेगा, मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती रहूँगी, और आप लोग प्लीज़ मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा ब्लॉग पर, अब मेरे ब्लॉग डेली आया करेंगे गाइस, क्योंकि मुझे भी देखिए साफ साफ कहना है पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बेटी का भी ट्रीटमेंट है, बच्चों की पढ़ाई है, नहीं हो पाता है इतना एक मेंबर की सैलरी में, और मैं ऐसा नहीं कि अभी जॉब कर पाऊँ, वर्क फ्रॉम होम मिलना इतना आसान नहीं है, तो मेरे लिए यही एक लास्ट ऑप्शन है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, और आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, प्लीज़ शेयर कीजिए, और आप लोग भी अपनी मेड वगैरह से सतर्क रहिए।
क्योंकि ये लोग कब धोखा दे जाए पता नहीं। मेड की मैं आपको हर एक बात बताऊंगी अगले व्लॉग में कि उसकी कैसी कैसी बातें होती थी अजीब और गरीब सी। कभी कभी तो मैं भी हैरान रह जाती थी। और कल तो उसने चोरी होने से पहले या जो भी है बहुत ही अजीब सी बात कही, तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मेरे चैनल पे प्लीज़ बने रहिए और जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और भगवान से दुआ कीजिए। मैं आज भी पर्स ढूंढूंगी, मेरी उम्मीद अब भी कायम है पर टेंशन इतनी हो चुकी है हद है। सो गाइस थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही।